मैम कोविड का दौर चल रहा है, इस टाइम पे ब्लड की क्या पोजीशन है, कितनी शॉर्टेज हो रही है यहाँ पे, कोई डोनर आ रहे हैं या क्या नहीं? इस टाइम कोविड में जैसे हमारा हॉस्पिटल है वो कोविड हॉस्पिटल डिक्लेयर्ड है, तो यहाँ पे रूटीन सर्जरीज वगैरह नहीं हो रही हैं। इस वक्त ब्लड की शॉर्टेज के साथ साथ ब्लड की डिमांड भी थोड़ी कम है, तो जो ब्लड है वो सिर्फ इस वक्त कोविड पेशेंट्स के लिए जो कि थोड़ा कम ही जाता है, और साथ में जो कैंसर पेशेंट्स हैं, डायलिसिस पेशेंट हैं, जो रेगुलर ट्रांसफ्यूजन के ऊपर हैं जैसे कि थैलेसीमिया पेशेंट्स, इन्हीं को ही ज़्यादातर ब्लड जो है वो जा रहा है। और ब्लड की शॉर्टेज तो हो रही है, पर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही शॉर्टेज है और लोगों को मिल नहीं पा रहा है। और ये कोविड टाइम्स हैं, कोविड टाइम्स में लास्ट ईयर भी ऐसे ही शॉर्टेज हुई थी। जब भी कोई सडनली वेव आती है या पीक होता है कोविड, तो काफ़ी सारी पॉपुलेशन जो है वो अफेक्ट हो जाती है, और उनके साथ साथ जो लोग होते हैं वो भी कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं। तो उसमें क्या है कि कैंप्स ने और थोड़ा सा लॉकडाउन की भी रिस्ट्रिक्शंस हैं लोगों की, जैसे 25 से ज़्यादा गैदरिंग नहीं हो सकती है, तो लोग भी डर रहे हैं, लोगों के मन में भी डर है, और लोग जो हैं वो हॉस्पिटल में आकर जो डोनर्स हैं वो डोनेट नहीं करना चाहते हैं, वो कहीं बाहर कैंप, आउटसाइड कैंप लगाना चाहते हैं, और आउटसाइड कैंप में भी जब गैदरिंग होती है तो फिर भी वो प्रेफर नहीं कर रहे हैं। तो इस वक्त जो है हमारे पास जो डोनर्स हैं, डोनर पूल जो है वो काफ़ी कम हो गया है, और जैसे हमारे कैंप्स थे वो कॉलेजेस हैं इसमें लगते थे, तो कॉलेजेस भी सारे बंद पड़े हुए हैं, और हमारी कई ऑर्गेनाइजेशन हैं जैसे संत निरंकारी भवन है, तो संत निरंकारी भवन वाले भी हम इस वक्त कैंप नहीं लगा रहे हैं, उनको भी हेड ऑफिस से अभी कुछ इस तरह के इंस्ट्रक्शंस हैं कि अभी कैंप नहीं लगाने हैं। फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, आर्मी है, और जिसमें अभी वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है, पहले था वैक्सीनेशन का था कि 28 डेज तक ब्लड नहीं दे सकते थे, तो वो वाला पीरियड जो है वो एक वैक्सीन के बाद वो नहीं दे पाए, फिर अब जो है वो 14 डेज हो गया है, काफ़ी कम हो गया, तो अब वो दे सकते हैं। बट सिंस ये पैरामिलिट्री फोर्सेस, BSF, CRPF, आर्मी वाले ये पहले देते थे रेगुलरली, पर इस साल क्योंकि वो लोग भी काफ़ी अफेक्टेड हैं, मैंने किसी से बात की थी BSF वगैरह में, तो वो कह रहे थे कि मैम हमारे ऑलरेडी 70 जवान्स जो हैं वो इन्फेक्टेड हैं इस वक्त, तो अब ये सिचुएशन ऐसी है कि हम किसी को प्रेशराइज़ भी नहीं कर सकते हैं कि आप ब्लड दो,
तो मेरी यही अपील है लोगों से कि लोग जो हैं, जो हेल्दी हैं, वो आगे आएं और आगे आकर ब्लड डोनेट करें। अगर वो मेडिकल कॉलेज में नहीं डोनेट करना चाहते हैं तो वो शालामार अस्पताल में हमारा ब्लड बैंक है, वहाँ पे डोनेट कर सकते हैं। या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, आउटडोर कैंप्स लगाना चाहते हैं तो हम आउटडोर कैंप्स भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो इस वक्त जो है आउटडोर कैंप्स ऑलमोस्ट निल हैं। जो भी वॉलेंट्री डोनर्स हैं वो SMGS में आके ब्लड दे रहे हैं। जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे अभी BJP यूथ मोर्चा है, ये लोगों ने अभी 10 दिन तक लगातार कैंप लगाए, पर इनके भी डोनर्स उतने नहीं आए जितने होने चाहिए थे। डोनर्स थोड़े कम आए, मे बी कुछ इन्फेक्टेड थे या फिर वो इन्फेक्टेड के कॉन्टैक्ट में थे। तो मेरे ख्याल से शायद यही वजह है कि हम इस वक्त जो है ब्लड बैंक जो है थोड़ी शॉर्टेज है ब्लड की। ये सिर्फ जम्मू में ही नहीं है, ये हर जगह है, ऑल ओवर इंडिया यही हाल है ब्लड का। अगर खुदा खासा कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट होता है उसके लिए इतना कैटरक हो सकेगा ब्लड बैंक? हाँ नहीं, हम रखते तो हैं, अगर किसी को चाहिए इमरजेंसी तो डील हो ही रही है। अभी भी सुबह भी एक ऑर्थो में पेशेंट्स था, हमने उसको दिया, कल भी दिया एक इमरजेंसी। थोड़े दिन पहले मेरे ख्याल से कोई एक्सीडेंट्स भी आए थे तो ICU में पेशेंट था, उसको भी हमने 10-12 यूनिट्स दिए। तो ऐसा नहीं है, एक्सीडेंट्स उस टाइम डील हो जाते हैं। और हम डोनर्स, काफ़ी सारे डोनर्स की हमारे पास लिस्ट है, हम डोनर ऑर्गेनाइजेशन को फ़ोन कर देते हैं, वो लोग अपने डोनर्स भेज देते हैं। पर ऐसा नहीं है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा स्टॉक है, जैसे हमारे पास बहुत कंफर्टेबल स्टॉक पहले हुआ करता था, वैसा नहीं है। बट वी आर डीलिंग, अब इस वक्त हम सारी इमरजेंसीज जो हैं आराम से डील कर रहे हैं।